नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। और साथियों, आपको पता है कि मैं जो है पब्लिक टीवी के लिए रिपोर्टिंग भी करता हूं, तो आज जो है पब्लिक टीवी ने मुझे एक काम दिया स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए। आज मुझे जो है भेजा गया जो है, और वो स्पेशल रिपोर्ट जो मुझे तैयार करनी थी वो अवनी वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर तैयार करनी थी। और इसके लिए जो है मैं अवनी वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में इस वक्त आया हुआ हूँ, और हमारे साथ जो है कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार मौजूद है। तो साथियों, मैं सबसे पहले जो है आपको अवनी वेलफेयर सोसाइटी का एक संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। जैसा कि आप ये बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये अवनी वेलफेयर सोसाइटी जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ वृक्षारोपण मिशन 10 वर्ष 2021 से 31 तक में, ठीक है, 1 करोड़ वृक्षारोपण एवं विश्व का सबसे बड़ा पक्षी संरक्षण केंद्र भोपाल में खोलने जा रही है। और संस्था से जुड़ने के लिए यहां पर संस्था ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है 07554907375661290। तो साथियों, ये अवनी वेलफेयर सोसाइटी क्या है, ये क्या काम करती है, और इसके पीछे जो है किन लोगों की मेहनत है, और अभी तक इन्होंने क्या काम किया है, इस वीडियो के अंदर वो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। साथियों, अवनी वेलफेयर सोसाइटी जैसा कि नाम से विदित है, ए का मतलब होता है आंवला, और W से यहाँ जैसे आएगा तो ये वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए, नी का मतलब है नीम यानी कि आंवला, वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, और नीम यानी कि वृक्षारोपण और महिला सशक्तिकरण के लिए ये संस्था काम करती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम संस्था का है वो है साथियों वृक्षारोपण। आप सभी को पता है कि कोरोना के टाइम पर जो है ऑक्सीजन की हिंदुस्तान के अंदर और पूरे देश के अंदर कितनी ज्यादा किल्लत हुई, और जब लोग परेशान थे एकदम ऑक्सीजन के लिए, इधर उधर भटक रहे थे, और हजार दो दो हजार पांच पांच हजार रुपए में भी जब लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, तो उस वक्त ये जो आप टीम देख रहे हैं साथियों, ये मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा और नजदीक से दिखाने का प्रयास करें। ये जो है आप जो ये टीम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नजर आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के बगल में जो है श्री विजय गुप्ता सर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक और अंतरराष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। और आपके बारे में बता दूं कि आपको कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर से कॉल आते हैं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए आज अगर आप हिंदुस्तान के बड़े पर्यावरण प्रेमियों का किसी का नाम लेना चाहेंगे तो विजय गुप्ता जी का नाम उसमें सर्वोपरि है। और उनके साथ ही आपको केसी चंद्रशेखरन सर दिख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का परिचय जो है आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। तो साथियों, मैं आपको विजय गुप्ता सर के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि जब पूरी दुनिया पूरा देश ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए यहां से वहां भटक रहा था, तब विजय गुप्ता जी जो है लोगों की सेवा में वृक्षारोपण के माध्यम से लगे हुए थे। और चूंकि उनका मानना ऐसा है कि अगर पेड़ है दुनिया में तो सब कुछ आपको जो है कम से कम जो आपके जीवन की उपयोगी चीजें हैं वो कम से कम 50% से अधिक चीजें जो है प्रकृति से और पेड़ों के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका मानना है। तो आप लगातार जो है यानी कि जो विजय गुप्ता जी हैं पिछले 10 सालों से वृक्षारोपण और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, और कई बार जो है आपको मीडिया के माध्यम से जो है प्रचारित किया जाता है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था आपके बारे में कि ये जो कार्य कर रहे हैं वह पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण के तौर पर जो है एक मिसाल के तौर पर जो है देखा जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना महत्वपूर्ण ट्वीट, आप मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्वीट पर भी जाकर के देखेंगे तो उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है कि
कि जो उनका कार्य है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है, और अगर आप उनकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो ये संस्था ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है हमेशा पर्दे के सामने रह करके काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो विजय गुप्ता सर है ये केवल पर्दे के पीछे रह करके लोगों के लिए और देश और दुनिया के लिए जो है वृक्षारोपण के माध्यम से जो अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं वह साथियों किसी बड़े कार्य या किसी दान पुण्य से किसी भी तरीके से जो है उसको कमतर नहीं आंका जा सकता। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और यहाँ पर आज जो है हमारे साथ उनकी एक जो है YouTube चैनल की दर्शक कह लीजिए या जो है आप उनको जो भी कह लें वो उनको फॉलो करती हैं और वो आज इस ऑफिस में उपस्थित हुई है, तो आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैम सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए, हम नाम जानना चाहेंगे आपका। नाम पूजा सिंह है। पूजा सिंह, ओके। तो आपको अवनी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो है जुड़ने का, अवनी वेलफेयर सोसाइटी में जुड़ने का कैसे अवसर मिला और इसमें जुड़ करके आपको क्या बेनिफिट हुआ? जैसे कि आपके बारे में हमने सुना कि आप वीडियो वगैरह देखती हैं, तो उससे किस तरीके का आपको लाभ होता है विजय गुप्ता सर के वीडियो वगैरह देखने से? सर पहले हम तो नहीं जानते थे सर को, पहले तो सर हमने आर्यन पटेल सर के वीडियो के माध्यम से सर का वीडियो देखा, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया, ग्लोबल इंफ्रा सोल्यूशन का जो चैनल है, और फिर हो गया उनके वीडियोज वगैरह देखे, देखा अच्छा प्लांटेशन करते हैं, अच्छा समाज सेवा करते हैं, हो गया अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगता है समाज सेवा वगैरह करना, तो जब भी प्लांटेशन वगैरह होता है तो हम जाते हैं सर उनके यहाँ। अच्छा 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 तो जैसे अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय गुप्ता सर के बारे में बहुत कई सारे ट्वीट किए अपने ऑफिशियल हैंडल से, और जनसंपर्क जो मध्य प्रदेश शासन का विभाग है उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की, और अवनी वेलफेयर सोसाइटी को जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर सराहा जा रहा है। तो इसमें आपकी कुछ जो फ्रेंड वगैरह हैं या जो लोग हैं वो लोग भी क्या सर के वीडियोस देखते हैं, वो लोग भी क्या जुड़े हुए हैं? हाँ देखते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, जैसे मैं व्हाट्सएप में लिंक वगैरह सेंड कर देती हूँ तो लोग सब्सक्राइब भी करके रखे हैं, देखते हैं उनके चैनल भी देखते हैं, कुछ लोग हैं जो उनसे जुड़ना भी चाहते हैं, अगर प्लांटेशन वगैरह होते हैं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के लोग आते भी हैं वहाँ पे। अच्छा हमने एक चीज़ जो है और सुनी हुई है कि विजय गुप्ता सर एक अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु भी हैं, तो बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, सब बहुत अच्छा है उनका सब कुछ। ओके तो अवनी वेलफेयर सोसाइटी में जुड़ करके कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको बहुत सारा फायदा हुआ, काफी बेनिफिट हुआ। फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगता है, सर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उनसे। अच्छा अच्छा तो मतलब अगर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करें, उनको देखें, उनको फॉलो करें, तो आपको लगता है कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा कोई परिवर्तन, खास परिवर्तन आया आपके अंदर? हाँ। अच्छा अच्छा, उनका एक चैनल है ग्लोबल इंफ्रा सोल्यूशन के नाम से, सब लोग भले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके वीडियोज देखें। ओके तो मतलब ये माना जाए कि उनके वीडियोज देख करके आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिली और आप लगातार तरक्की करते जा रहे हैं। चलिए तो साथियों ये थी हमारे साथ जो है मिस पूजा सिंह, जिनके माध्यम से हमने जाना कि जिन्होंने भी संस्था से जुड़ करके कार्य किया है या जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं उनके वीडियोस देखते हैं, तो ऐसा हज़ारों लोगों से जो है हमने सुना हुआ है। और अगले वीडियो में जो है हम आपको फिर जो है किसी नए दर्शक से मिलवाएंगे और जो उनके फैंस हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, जो उनके वीडियोज वगैरह देखते हैं, तो ऐसे फिर हम किसी नए दर्शक से रूबरू कराएंगे आपको। और ये लास्ट में मैं वीडियो में जो है आपको ये नंबर दिखा रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर, कि अगर आप जुड़ना चाहें संस्था से तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं। 7566129036 ये जो है संस्था का व्हाट्सअप नंबर है, और ये आप अवनी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यों के बारे में इस बैनर में देख सकते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये जानकारी पसंद आए और आप संस्था से जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें, शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का
फ़ायदा उठा सकें। आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और विजय गुप्ता सर को जो है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मैं उस चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ग्लोबल इंफ्रा सॉल्यूशन के नाम से सर का चैनल है, तो आप वहां से जा करके सर का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।